हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल जी एक्स। ये पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है, इसको डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल जी एक्स से। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4। क्वेश्चन और रिमाइंडर ये रहेंगे एक्स माइनस 2, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर होगा माइनस 2x प्लस 4। तो हमें फाइंड करना है जी एक्स। तो हमें इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है डिविडेंड। हमें ये पता है डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, ये हम जानते हैं। अब इसको हम पी एक्स जी एक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। रिमाइंडर को हम बोलते हैं पी एक्स, ठीक है। डिवाइजर हमारा होगा जी एक्स, क्वेश्चन को लिखें क्यू है तो क्यू एक्स, प्लस रिमाइंडर है तो प्लस आर एक्स। क्लियर। यहाँ पे पी एक्स क्या गिवन है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल गिवन है ऑन डिवाइडिंग दिस। दिस मीन्स कि इसको डिवाइड करना, जो डिवाइड करना वो डिविडेंड होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू में जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज रहेगा। इन टू में क्यू एक्स है हमारे पास, पहले क्वेश्चंट है तो पहले वाला हमारा क्वेश्चंट माना जाएगा। तो क्यू एक्स है हमारा एक्स माइनस 2 प्लस में माइनस 2x प्लस 4, ये एज इट इज आएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए ये दोनों को हम क्या करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 इंटू जी एक्स हो जाएगा, प्लस ये प्लस का साइन अंदर के साइन एज इट इज रहेंगे, तो माइनस 2x प्लस 4। हमने ब्रैकेट से बाहर इसको लिख दिया। अब देखिए इसको हम एज इट इज रख देंगे, जी एक्स को हमें फाइंड आउट करना, ये एज इट इज रहेगा। तो इसके अदर जो स्टेटमेंट है उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस का 2x लेफ्ट में जाके प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू में लेफ्ट साइड में रह गया x माइनस 2 इंटू में जी एक्स। अब देखिए x क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, तो x क्यूब तो आ जाएगा हमारा एज इट इज। क्लियर। अब देखिए और क्या है यहाँ पे, x क्यूब तो एज इट इज आ गया। अब एक्स स्केयर, उसके लिए भी कुछ नहीं है, तो माइनस का 3x², ठीक है। अब देखिए x प्लस 2x तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, डिग्री वाइज लिख रहे हैं हम 3, 2, 1। अब आगे और देखते हैं और क्या गिवन है, 2 माइनस 4 माइनस का 2। अब देखिए जो रिमेनिंग है वो लिख देंगे राइट साइड में, x माइनस 2 इंटू जी एक्स, एक्स माइनस 2 इंटू जी एक्स। अब जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, अब जी एक्स को यहीं रहने देंगे, x माइनस 2 को इधर ले आएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके जाके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, जब राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो इक्वल टू में जी एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो बस अब हम इसको डिवाइड करेंगे। एक्स माइनस 2 अंदर जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। क्लियर। आप सबसे पहले एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे, वो सारा आप, मैं यहाँ पे अगेन से रफ वर्क नहीं कर रही हूँ, अब तक आप समझ गए होंगे इसको हमने कैसे डिवाइड करना है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो आ जाएगा एक्स स्केयर को एक्स से किया, एक्स क्यूब माइनस 2x², एक्स स्केयर के नीचे एक्स स्केयर आएगा, माइनस प्लस, ये तो हो गया क्रॉस, यहाँ बच्चा माइनस एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 2। माइनस एक्स स्केयर को एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई करेंगे जब प्लस का 2x, साइन चेंज होंगे क्रॉस, ये आ जाएगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, जब एक्स से एक्स डिवाइड होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 2, तो ये नीचे क्रॉस हो गया, 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, जी एक्स इक्वल टू में, तो हमारी वैल्यू जो हमें जी एक्स फाइंड आउट करना था इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आया हमारा ये क्वेश्चन। तो बस अब इसकी जगह पे ये लिख देंगे, तो जी एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा जी एक्स है। दिस इज आवर आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कहीं भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।